हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे, ठीक ही होंगे। व्लॉग 6, तो मैं चला शुरू करूँ। सो बेसिकली गाइस, अभी 7:05 हो रहे हैं, ऐसे उसे टाइम हो रहा है। तो अभी हमें जाना, और भी मुझे जाना है कॉलेज आर्ज ठाकुर। तो फिर आपको थंबनेल देख के कुछ कन्फ्यूज हो गए होंगे कि कैसा व्लॉग है। ये असल में ये मेरे ब्लॉग टू जैसा ब्लॉग है। इसके लिए, इसे थोड़ा एंटरटेनमेंट दिखाने के लिए मैं बाहर का सीन्स भी दिखाऊंगा। तो फिर चले कॉलेज। अभी कॉलेज पहुंच चुका हूँ। 7:07 हो रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। और कॉलेज में सेकंड गेट के जा रहा हूँ, फर्स्ट गेट से नहीं जाता। मेरे सेकंड बिल्डिंग में कॉलेज क्लासरूम है, इसके लिए चलिए। वहाँ पे मेरा क्लासरूम है और इस बिल्डिंग में प्रोग्राम है। लेक्चर को लेट हो गया है शायद। कोई तो ही लगता है क्लास में। तो भी गाइस, अभी आ रहे हैं प्रोग्राम को, 9:30 हो गए। तो फिर चलिए। सुना सर से से बोल आई गाले आता काय वीडियो काढतो झालं। देखिए कितना मोठा स्टेज रे, कसे रे। तो फिर अभी प्रोग्राम खत्म हो गया है, अभी घर पे जा रहे हैं। चलिए जांभळाचा रसा A few moments later. Hey guys, तो फिर घर पे आ गया हूँ मैं। भी खाना खाया, चेंज किया, सब कुछ करके फिर से ब्लॉगिंग को। और चलिए मुद्दे की बात करते हैं ब्लॉग के। टाइम क्यों है? तो फिर गाइस 3:40 हो रहे हैं, चलिए ब्लॉग करते हैं। तो फिर गाइस, बेसिकली आपने अगर मेरा ब्लॉग 2 देखा रहेगा, प्रॉब्लम ऑन यूट्यूब, फेसिंग ऑन यूट्यूब, ऐसे कुछ था, ये ब्लॉग भी वैसे होने वाला है। क्योंकि
बहुत 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 जन मुझे बोले क्या हुआ प्रॉब्लम क्या 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 क्या, और तो मैं उसका सबका सब प्रॉब्लम मुझे जो जो हुए फिर से वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर चलो मुद्दे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक प्रकार से अगस्त का महीना ये मेरे लिए पनौती गया। हाँ क्यों, ये देखो इस महीने में बहुत सारा कंटेंट था। सबसे पहला कंटेंट था वो BFF डे, मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर डे का वाइन सी जो 6 तारीख को अपलोड हुई थी। बाद में बताओ क्या हुआ था। बाद में था 15 अगस्त का ब्लॉग और एक बता दो लोगों को। बाद में था रक्षाबंधन की वाइंस, रक्षाबंधन था उसके ऊपर एक वाइन थी, वाइंस थी तो वो भी हुआ प्रॉब्लम। बाद में ये आई लॉस्ट इट का मैंने ट्रेलर डाला था जुलाई के महीने में, फिर हाँ जुलाई का महीने में डाला था, तो फिर मेरे को अगस्त में उसको अपलोड करना था पर प्रॉब्लम हुई। बाद में रक्षाबंधन का ब्लॉग तो आ गया, वो भगवान के शुक्र से आ गया, तो वो भी नहीं था डाला, यही ब्लॉग था वो भी संडे को डाला, एक हफ्ते बाद डाला मैंने ब्लॉग। तो फिर चलिए प्रॉब्लम्स पे थे, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी रक्षाबंधन के, रक्षाबंधन के ब्लॉग का क्या प्रॉब्लम हुआ कि मेरे भाई ने क्लिप खींची थी, वो मुझे क्लिप्स थी उसने मुझे सेंड ही नहीं की, बहुत टाइम पे उसने सेंड करने को, ये वो नॉर्मल प्रॉब्लम था। बाद में जो उसके पीछे का और एक था जो प्रॉब्लम द परफेक्ट रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के प्रति जो वाइंस थी उसका सीन ऐसे हुआ था कि जो हमारे डायरेक्टर साहब थे संकेत एंड अंकुश राव, आपने वाले वीडियो देखी उनके मेरी और उसकी उनसे ब्रेकअप, तो उसकी एग्जाम चल रही थी तो उसका कैमरा का थोड़ा बंदोबस्त नहीं हो पाया, वो परफेक्ट वीडियो बनी थी पर वो नहीं हो पाई इसके लिए। बाद में सबसे बुरी चीज़ तब नहीं बुरी नहीं आई लॉस्ट इट का सीन हो गया कि वीडियो पूरी बन गई थी, उसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम प्रोमो, मतलब मैं पागल मैंने ट्रेलर होगा डाला नाम, बस मैं मेकिंग थी पर मैं ट्रेलर डाल लिया, चलो पर डाल के चीज़ तो सीन ऐसे हुआ था कि मैंने ट्रेलर डाला और वो वीडियो जी थी वो मेमोरी कार्ड में थी लैपटॉप में, और वो क्या मालूम कैसे पता नहीं वो वीडियोस करप्ट हो गई, समझते हो, तो मेमोरी कार्ड ही ख़राब हो गया तो वीडियो फोटो सब सब गए। बाद में ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर बाद में 15 अगस्त का ब्लॉग था वो उसमें करने का था और कुछ रीजन की उसे बता नहीं सकता वो नहीं हो पाया, तो उसको मैं म्यूजिकली बना दी, उन्होंने क्या ये होता है ना मेरे कॉपीराइट आ जाएगा तो ये बने पर म्यूजिक से क्या होते हैं। बाद में उससे सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई मेरे साथ वो थी कि BFF डे, हाँ हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत 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 वो वीडियो मेरे को पनौती लगी, इसलिए उस वीडियो की वजह से सब पूरा शेड्यूल ही ख़राब हो गया। हाँ तो फिर क्या, क्योंकि उसमें सीन कैसा था कि हम लोग में से एक पार्टी गई थी मेरे मेरे दोस्त लोग ने, नाम नहीं लूँगा मैं, तो फिर वो गए असल की क्लिप थी असल में, तो वो पर मुझे उन लोग को शो कर उनको बताना था कि मैं इस वीडियो से भी आगे कुछ कंटेंट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो क्योंकि जब मैंने अपलोड की थी वो वीडियो तो कितना सिर्फ मैंने 1.5 घंटे में मेरे को कितना 64 व्यूज़ आए, हाँ ये वाली वीडियो को सिर्फ 64 व्यूज़ आए, पर जिन लोग ने देखा अच्छी बात है उनको मालूम पड़ उनका नसीब था। तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि मैंने उन जो लोग थे उस वीडियो में उन लोगों को मैं बताया, उन लोगों को मैंने बताया नहीं कि मैं ये करने वाला, और जो उसमें जो कैरेक्टर था हर्षल नाम का वो मेरा दोस्त, उसको सबसे बुरा लगा कि तूने ऐसा क्यों किया, बताने का था ना, मतलब मैंने सीन उसके साथ ऐसे ये किया था कि मैंने उसको बताया नहीं था कि तेरा ये रोल है, मैंने उसको अलग ही स्टोरी बताई और इसके लिए उसने एक्टिंग की। अब बाद में उसमें जब उसको पूरी वीडियो दिखाई तो बाद में वो मुझे गुस्सा हो गया और उससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गया, तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ, हर्षल पूरे कैमरे यूट्यूब के सामने सॉरी कह रहा हूँ, तो सॉरी पर बहुत सारे लपड़े हुए मुझे बात नहीं कर रहा, पर कोई कोई लोग रहते ना ऐसे, मैंने सेकंड ब्लॉग में कहा था बैकस्टेबल, एक इंसान को दो चेहरे तो रहते ही है भाई। रैपटॉनिक्स मतलबी है सारे यहाँ पे सारे मतलबी, हाँ झूठे इनके वादे मतलबी, मतलबी है सारे यहाँ पे सारे मतलबी, ये सारे जिसको समझा अपना वो ही निकला अजनबी। आप ऊपर कितना भी दिखा दो, हाँ 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 पर छोड़ दो, अभी
जो हुआ सो हुआ, मेरी गलती थी। तो जितने मैं उस वीडियो में थे उन लोगों को मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। नाम नहीं लूँगा, सिर्फ हर्षा का नाम लूँगा, क्योंकि मेरी गलती थी, मेरे वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको भी मेरे को भी। सो आई एम रियली 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 पूरे यूट्यूब के सामने कह रहा हूँ सॉरी फॉर डैट, सॉरी रियली, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो चलिए बस इतना ही था कहने का था। तो चलिए ये ब्लॉग अगर पका वगैरह कर तो सॉरी, तो चलिए बाय। अजी लौड़ा क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए, ये क्या आया बीच में ऐसा? ठहरो ठहरो, ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। सीन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम क्या है, मानव साबले। क्या है? मानव साबले, सरनेम को हक निकल दो। नाम नाम क्या है? मानव, मीनिंग मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। तो मैं हूँ वैसा ही, मुझे रहने दो, क्योंकि देखो मेरी सोच एक ह्यूमन जैसी, पर जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आता यूट्यूब पे, तो मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? मोहनशर साबले। साबले को हटाए जा रहे, क्या है? मोहनशर साबले। तो देखो, तो मेरे यूट्यूब पे जब मैं आता हूँ मेरे नाम मोहनशर साबले है, तो मेरी सोच कैसे रहेगी? तो फिर मोहनशर जैसे रहेगी ना, मैं रियल लाइफ में बहुत अच्छा हूँ, क्या मालूम लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम होती है। सच में है, मुझे भी लोगों से प्रॉब्लम होती है, पर क्या मालूम, मैं जितना अच्छा रहता हूँ लोग उतने मेरी मारते, तो क्यों क्या पता है, मेरे को भी नहीं मालूम। तो फिर देखो गाइस, ये देखो, ये मुंबई कर निखिल ने भी कहा था कि आपको निखिल शर्मा चाहिए, आपको मुंबई कर निखिल चैनल पे निखिल शर्मा अपना 95% देता है ऐसे मुंबई कर निखिल, पर वो आपको आप उसके लाइफ के 5% कभी नहीं देगा, उसे क्या डाले। तो मेरा भी वैसा ही है, मैं दूंगा ना आपको, मैं भी देता हूँ मेरा पूरा 95, क्या 96-97%, पर जो 2-3% रहते ना, जो मानव साबले है गए, वो मैं कभी नहीं दूंगा, सॉरी फॉर डैट। क्योंकि देखो कुछ कुछ बातें रहती है जो शेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो फिर वो बात अलग होती है। देखो जब मैं यूट्यूब पे आता हूँ ना, तो मेरा पूरा दिमाग मोहनशर साबले से होता है, मतलब जो भी मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं पहले मम्मी को दिखाता हूँ, उधर से अगर परमिशन मिली तो भी डालता हूँ मैं, अगर वो वीडियो डिलीट भी हो गई तभी मुझे चलेगा। क्योंकि देखो जो भी मैं अपने वीडियो में चुतियागिरी करता हूँ, व्यूअर्स में मेरी गलतियाँ करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो सब मैं जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि उस सब के पीछे भी आगे का प्लान है, इसका मैं ये सब जानबूझ के करता हूँ। और जो कमेंट्स करते हैं ना, बुरी कुछ भी फालतू की वेस्टेज, क्यों पता नहीं खाली फोड़ के गाले देते, उसे मैं मोटिवेट होता हूँ यार। हाँ सच में ये फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे और मोटिवेट होता हूँ मैं। देखो मानव की सोच है ह्यूमन, नॉर्मल ऐसे ह्यूमन बींग जैसे, पर जब यूट्यूब पे मॉन्स्टर साबले, तो ये शैतान का दिमाग है। तो प्लीज़ देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हैज़ ए यूट्यूबर मैं बहुत सही हूँ, मैं यूट्यूब पे भी जाता तभी मैं नॉर्मल अपना मस्ती जैसा रहता है मानव वैसे ही होता हूँ, पर जब मैं काम की बात करता हूँ तो मैं अलग लेवल का। तो फिर देखो भाई, बेसिकली जो BFFD की वीडियो हुई थी उसके ऊपर से पीछे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, वो मैं आपको नहीं बता सकता किसके साथ हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो फिर आप सब लोग का लगता रहेगा कि वो वीडियो डिलीट हो गई, YouTube ने रिपोर्ट किया था कि किन लोगों ने रिपोर्ट किए वीडियो, तो आप लोग का लगता है कि वो वीडियो डिलीट हो गई। सॉरी माई फ्रेंड, वो वीडियो डिलीट नहीं हुई है, वो डिलीट मैंने भी नहीं की है, वो वीडियो है यूट्यूब पे, पर कैसी है, उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट। एक ऐसा दिन आएगा जब उस वीडियो को पब्लिक कर दूंगा, सच में रियल में, वो जल्दी आप टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ ना इधर, वो वीडियो को मैं पब्लिक जल्द से जल्द कर दूंगा, फिर टाइम आने दो, रहते ना भगवान ने कहा था कुछ, तो क्या है, देर आए दुरुस्त आए, ऐसे कुछ था। वक्त की इज्जत करना सीखो, वक्त की इज्जत तो थानोस ने भी की थी। You should have gone for the head. ऐसे ही तो फिर आएगी, जल्दी से आ जाइए। बस गाइस, आप लोग ने मुझे
अब तक जितना सपोर्ट किया, थैंक यू रियली में थैंक यू। 200 सब्सक्राइबर होने को आ रहे हैं, प्लीज़ जाके कर दो, प्लीज़ यार प्लीज़, क्योंकि आपसे प्रेम हमारे में 200 होने के बाद क्या होने वाला है, Q&A वीडियो विथ रीडिंग कमेंट्स सेशन, तो प्लीज़ जाके कितना 10-12 बाकी है सब्सक्राइबर, 190 तो हो गए शायद से, तो प्लीज़ जाके प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करने को बोलो अपने दोस्तों को, प्लीज़ मेरे को 200 पूछे तो उसके बाद का काम मैं कर लूँगा, प्लीज़ 200 मुझे प्लीज़ क्रॉस करा दो बस। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बोर लगी होगी, फैंटास्टिक लगी होगी, फैंटास्टिक नहीं रही कैसी भी लगी होगी, मज़ा आया रहेगा देख के, जो ये वीडियो देख रहे हैं माई फ्रेंड्स लव दुश्मन हेटर्स, उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा मैं, तुम कितना भी हेट दे दो हम तो नहीं रुकेंगे भैया, तो चलिए अच्छी लगे कैसी भी लगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, और हाँ सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ अभी वो मेरे को बोलने पड़ेगा क्या, वो जो घंटा है ना ये वाला, उससे जगह दबा दो यार नोटिफाइड रहोगे, नहीं तो मुझे हर टाइम इस पे उस पे सब पे मेरे को डालना पड़ता है, प्लीज़ आपको मेरी वीडियो देखो आ गई ही नहीं तो प्लीज़ उस बेल को क्लिक कर देना, सो आपको मैं जल्द से जल्द नए या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर वाइंस में, वाइंस तो नहीं यार ब्लॉग ही देगा शायद, तो ब्लॉग्स में मिलता हूँ, और हाँ थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट फॉर फन, तो चलिए बाय टाटा।